हेलो स्टूडेंट्स, पहले हमने आपको आ की मात्रा के बारखड़ी यानी का से लेके गना तक कंप्लीट करवाया था, याद है आपको सेकंड लेक्चर में। ओके, नाउ उसमें हमने का से लेके गना तक आपको एक्सप्लेन किया था, समझाया था, और का की मात्रा वाले आ की मात्रा वाले शब्द के बारे में भी समझाया था और आपको शब्द लिखवाया भी था। ओके, कुछ और नए शब्द आज मैं आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, जो आपको अपने नोटबुक में लिखना है, और कुछ और एक्सरसाइज भी है जो जिसे मैं एक्सप्लेन आज करूंगी। ओके बच्चों, स्टार्ट करें हम। ओके, स्टार्ट करें जी। आ की मात्रा वाले शब्द, पहला शब्द है क। क को आ की मात्रा का, तो क्या बनेगा? कान। क्या बनेगा? कान। ओके, नेक्स्ट है ज को आ की मात्रा जा, ल, जाल। ओके, जाल। थर्ड है न को आ की मात्रा नाम, नाम, यस, नाम। उसके बाद है घना, क्या है? घना। क्या लिखा है? घ, न को आ की मात्रा न, घना। उसके बाद है हरा, क्या लिखा है? ह, र को आ की मात्रा रा, हरा। क्या लिखा है? हरा। उसके बाद नेक्स्ट है तो, त को आ की मात्रा ता, ल को आ की मात्रा ला, ताला। क्या शब्द बना? ताला। ओके, नेक्स्ट है अ को आ की मात्रा आ, ग्नो को आ की मात्रा ग्ना, आज्ञा। क्या बना? आज्ञा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है न को आ की मात्रा ना, न को आ की मात्रा ना, नाना। आपके नाना है ना, सब नाना बोलते हो ना आप मम्मी के पापा को। ओके, तो वो ये नाना लिखा है, नाना। नेक्स्ट है अ नार, अ न को आ की मात्रा ना, र, अनार। क्या बना? अनार। आप अनार खाते हो ना, वही अनार, अ ना र। उसके बाद लिखा है अ च को आ की मात्रा चा, र, अचार। क्या लिखा है? अचार। क्या लिखा है? अचार। उसके बाद है वा, व को आ की मात्रा वा, न, र, वानर। क्या लिखा है? वानर। ओके, उसके बाद है क म, ल को आ की मात्रा ला, क म ला। क्या लिखा है? क म ला। ओके, नेक्स्ट है क, क को आ की मात्रा का, ट, न को आ की मात्रा ना, का ट ना। क्या लिखा है? का ट ना। क्या लिखा है? का ट ना। वेरी गुड। नेक्स्ट है न, च को आ की मात्रा चा, य को आ की मात्रा या, न चा या। क्या लिखा है? रीड कीजिए। न, च को आ की मात्रा चा, य को आ की मात्रा या, न चा या। क्या लिखा है? नचाया। उसके बाद नेक्स्ट है स, म को आ की मात्रा मा, च को आ की मात्रा चा, र, स मा चा र, समाचार। आप टीवी में देखते हैं ना, समाचार आते हैं, आपको देखने चाहिए समाचार। ओके, नेक्स्ट है य को आ की मात्रा या, त को आ की मात्रा ता, या ता या त। क्या लिखा है? या ता या त। क्या शब्द बना? या ता यात। क्या शब्द बना? या ता यात। ओके, नेक्स्ट है ड को आ की मात्रा डाक, ख को आ की मात्रा खा, न को आ की मात्रा ना, डाक खाना। फिर से करें, ड को आ की मात्रा डा, को, ख को आ की मात्रा खा, न को आ की मात्रा ना, डाक खाना। क्या लिखा है? डाक खाना। क्या लिखा है? डाक खाना। डाक खाना किसको बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस को। आपको पता है ना पोस्ट ऑफिस? जी हाँ, वो डाक खाना पोस्ट ऑफिस को बोला जाता है। नेक्स्ट है पकवान। क्या लिखा है? प, क, व को आ की मात्रा वा, न, पकवान। क्या लिखा है? पकवान। क्या लिखा है? पकवान। उसके बाद है व, फ को आ की मात्रा फा, द को आ की मात्रा दा, र, वफादार। क्या लिखा है? वफादार। व, फ को आ की मात्रा फा, फ को आ की मात्रा फा, द को आ की मात्रा दा, र, वफादार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क, क को आ की मात्रा का, म, झ को आ की मात्रा झाम, काम, झाम। क को आ की मात्रा का, म,
छ को आ की मात्रा झा म, काम झाम। उसके बाद है श को आ की मात्रा शाट, घ को आ की मात्रा घाट, साठ घाट। क्या बना है? साठ घाट। ओके, स को आ की मात्रा सा है, ट, घ को आ की मात्रा घाट, साठ घाट। ओके, नेक्स्ट है ब, र को आ की मात्रा रा, ब र बराबर। क्या लिखा है? ब र को आ की मात्रा रा, ब र बराबर। क्या लिखा है? फिर से रीड करो, ब रा ब र। वेरी गुड। ओके, अब हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिससे हमें व्यंजन को जोड़ के शब्द बनाना है। क्या बनाना है? शब्द बनाना है। कल भी हमने आपको जब न्यू वर्ड स्टार्ट किए थे बिना मात्रा वाले शब्द, उसमें भी हमने आपको जैसे कमल था उसका क जोड़ म जोड़ ल यानी कमल बनता है सिखाया था ना, बस वैसे ही इसे बनाना है। और उसके बाद आ की मात्रा में भी हमने आपको शब्द बनाने सिखाए थे, उसमें भी ऐसा था कि क म ला, तो कैसे बनेगा? क जोड़ म जोड़ ल जोड़ आ, यानी आ की मात्रा। तो क्या बनेगा? क म ला। बस शब्द ये भी आ की मात्रा वाले शब्द हैं जो आपको मात्राओं के साथ जुड़ के नए शब्द बनाने हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। प क व को आ की मात्रा वा न, क्या शब्द बना? प क वा न, क्या शब्द बना? प क वा न। फिर से रीड करो, प क वा न पकवान। क्या बना? पकवान। आपको अच्छे लगते ना अच्छे अच्छे पकवान, मिठाई, बस वही पकवान है। उसके बाद ड, ड को आ की मात्रा डा, क ख को आ की मात्रा खा, न को आ की मात्रा ना। क्या बना? ड को आ की मात्रा डा, क ख को आ की मात्रा खा, न को आ की मात्रा ना। क्या बना? डाक खाना। क्या बना? डाक खाना। क्या बना? डाक खाना। कौन सा हुआ? डाक खाना, यस। उसके बाद है यो, न्यू शब्द है। यो को आ की मात्रा या, तो आ की मात्रा, यो को आ की मात्रा जोड़ तो। फिर से बोलूं, यो को आ की मात्रा या, तो को आ की मात्रा ता, यो को आ की मात्रा ता और तो, यानी या ता या तो। क्या बना? या ता यात। क्या बना? या ता यात। ओके, नेक्स्ट है स जोड़ म, जोड़ आ की मात्रा, जोड़ च, जोड़ आ की मात्रा, जोड़ र। क्या शब्द बना? स मा चा र। क्या शब्द बना? स मा चा र। क्या शब्द बना बच्चों? स मा चा र। नाइस। उसके बाद नेक्स्ट है अ, जोड़ न, आ की मात्रा जोड़ र। क्या शब्द बना? अ नार। क्या शब्द बना? अ नार। क्या शब्द बना? अ नार। ओके, उसके बाद है अ जोड़ च, जोड़ आ की मात्रा जोड़ र। तो क्या शब्द बना? अ चार। क्या शब्द बना? अ चार। ओके, उसके बाद है व, व को आ की मात्रा वा न जोड़ र। तो क्या शब्द बना? वा न र। क्या शब्द बना? वा न र। ओके, नेक्स्ट है क जोड़ म, जोड़ ल जोड़ आ की मात्रा। क्या शब्द बना? कमला। क्या शब्द बना? कमला। क्या शब्द बना? कमला। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया किस तरह से मैंने आ की मात्रा वाले शब्दों को जोड़ के नया शब्द बनाया, आ की मात्रा वाले शब्द कैसे जोड़े जाते हैं, कैसे उस व्यंजन से शब्द बनता है। ओके बच्चों, अब आपको इसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में 2 times लिखना है, लर्न करना है और डेली आपको इसको रिवाइज और रीडिंग करते रहना है। ओके बच्चों, ओके ओके, आज हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? ई से इमली। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? ई से इमली, ई से इमली, ई से इमली। आपको पता है कि ई की मात्रा में जैसे ई लिखा है तो ये ई की मात्रा भी बोली जाती है। ई से इमली तो है ही, और ये ई की मात्रा भी बोली जाती है। जैसे क को छोटी की मात्रा हम करेंगे तो वो की बनेगा, ख को छोटी मात्रा करेंगे तो खी बनेगा, उसी तरह से ये ई से इमली भी बोला जाता है और ये ई की मात्रा यानी छोटी की मात्रा भी बोला जाएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे छोटी ई की मात्रा जोड़ ख
जोड़ यानी ख को छोटी की मात्रा खी। फिर से क को छोटी की मात्रा जोड़ ख, तो क्या बना? खी बना। क्या बना? ओके नाउ अब छोटी की मात्रा जोड़ ख जोड़ ल को आ की मात्रा यानी ला। तो ये जो ख होता है इसको छोटी की मात्रा को ज्वाइंट कर दिया और ल को आ की मात्रा ला हो गया, तो पूरा शब्द बना ख को छोटी की मात्रा खी, ल को आ की मात्रा ला, तो पूरा शब्द बना खीला। क्या शब्द बना? खीला। इट मीन्स यहाँ पे छोटी की मात्रा ख को जोड़ ल को आ की मात्रा, तो क्या बना शब्द? खीला। फिर से रीड करो बच्चों, ख को छोटी की मात्रा खी, ल को आ की मात्रा ला, खीला। ओके नेक्स्ट है छोटी की मात्रा जोड़ ह। छोटी की मात्रा जोड़ ह मतलब जो ह होता है उस पे ऐसे छोटी की मात्रा हुई। कौन सी मात्रा हुई? छोटी की मात्रा, यानी ह के ऊपर हम छोटी की मात्रा करेंगे तो वो बनेगा ही। यहाँ पे छोटी की मात्रा जोड़ ह यानी हम छोटी की मात्रा को जोड़ करेंगे जोड़ र जोड़ न, तो पूरा शब्द क्या बना? ही र न। फिर से रीड करो बच्चों, ह को छोटी की मात्रा यानी ये जो छोटी की मात्रा है इसे हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये बनेगा ही र न। क्या शब्द बना? ही र न। यहाँ पिक्चर में देख रहे हो ना, ये हिरन है ना, इसको डियर भी बोलते हैं ना इंग्लिश में, हाँ वही वाला। सो ये बनेगा ही र न। क्या शब्द बनेगा? हिरन। वेरी गुड। उसके बाद है छोटी की मात्रा जोड़ ह, तो क्या बना? ही। क्या बना? ही। ओके ये जो छोटी की मात्रा है इससे हम इसे टच कर देंगे तो ये बन जाएगा ही। तो नया शब्द स्टार्ट करते हैं, प जोड़ छोटी की मात्रा को हम यहाँ लगा देंगे तो बनेगा ही जोड़ य को आ की मात्रा या, तो क्या शब्द बना? प ही या। क्या शब्द बना? प ही या। क्या शब्द बना? पहिया। ये पहिया लिखा हुआ है ना, आप जानते हो ना, इसको व्हील भी बोला जाता है इंग्लिश में। सो ये पहिया है, क्या है? जो कार्ट में लगता है ना, हाँ वही वाला। ओके तो ये क्या है? पहिया। क्या शब्द बना? पहिया। वेरी गुड। ओके अब हम स्टार्ट करेंगे बारखड़ी। कौन सी वाली बारखड़ी? छोटी की मात्रा की से लेकर घ्न की घ्नी तक, यानी घ्न को छोटी की मात्रा घ्नी तक। स्टार्ट करें बच्चों। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क को जैसे जैसे मैं बोलूँगी आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है और साथ साथ में नोटबुक में 2 times लिखते भी जाना है। ओके बच्चों स्टार्ट करें। ओके चलो, क को छोटी की मात्रा की, क को छोटी की मात्रा की। वेरी गुड। नेक्स्ट, ख को छोटी की मात्रा की, ख को छोटी की मात्रा की, ग को छोटी की मात्रा गी, ग को छोटी की मात्रा गी, घ को छोटी की मात्रा घी, घ को छोटी की मात्रा घी, खाली ड को छोटी की मात्रा, खाली ड को छोटी की मात्रा, छ को छोटी की मात्रा ची, छ को छोटी की मात्रा ची, छ को छोटी की मात्रा छी, छ को छोटी की मात्रा छी, ज को छोटी की मात्रा जी, ज को छोटी की मात्रा जी, झ को छोटी की मात्रा झी, झ को छोटी की मात्रा झी, खाली झ उस पे छोटी की मात्रा, खाली झ पे छोटी की मात्रा, और ट को छोटी की मात्रा टी, और ट को छोटी की मात्रा टी। लास्ट है ठ को छोटी की मात्रा ठी, ठ को छोटी की मात्रा ठी। ओके अब हम नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे, ड को छोटी की मात्रा डी। क्या करेंगे? ड को छोटी की मात्रा डी, ड को छोटी की मात्रा डी, ढ को छोटी की मात्रा ढी, ढ को छोटी की मात्रा डी। ओके नेक्स्ट, अण को छोटी की मात्रा अणी, अण को छोटी की मात्रा अणी, अण को छोटी की मात्रा अणी, त को छोटी की मात्रा ती, त को छोटी की मात्रा ती, थ को छोटी की मात्रा थी, थ को छोटी की मात्रा थी, द को छोटी की मात्रा दी, द को छोटी की मात्रा दी, ध को छोटी की मात्रा दी, ध को छोटी की मात्रा धी, न को छोटी की मात्रा नी, न को छोटी की मात्रा नी, प को छोटी की मात्रा पी, प को छोटी की मात्रा पी, फ को छोटी की मात्रा फी, फ को छोटी की मात्रा फी, ब को छोटी की मात्रा बी, ब को छोटी की मात्रा बी।
उसके बाद है भ को छोटी की मात्रा भी, भ को छोटी की मात्रा भी, क्या है भ से भवरा को छोटी की मात्रा करोगे तो क्या बनेगा, भी बनेगा। ओके ओके नेक्स्ट लाइन है म को छोटी की मात्रा मी, क्या है म को छोटी की मात्रा मी, क्या है म को छोटी की मात्रा मी। य को छोटी की मात्रा यी, य को छोटी की मात्रा यी। र को छोटी की मात्रा री, र को छोटी की मात्रा री। ल को छोटी की मात्रा ली, ल को छोटी की मात्रा ली। व को छोटी की मात्रा वी, व को छोटी की मात्रा वी। श को छोटी की मात्रा सी, मतलब जो षटकोण का श होता है ये वही है, सरनाई का श, सॉरी सरनाई का श होता है वो है, यानी शी। यहाँ भी श को छोटी की मात्रा शी। उसके बाद षटकोण का श यानी छोटी की मात्रा शी, स को छोटी की मात्रा शी। स को छोटी की मात्रा सी, स को छोटी की मात्रा सी। ह को छोटी की मात्रा ही, ह को छोटी की मात्रा ही। क्ष को छोटी की मात्रा क्षी, क्ष को छोटी की मात्रा क्षी। त्र को छोटी की मात्रा त्रि, त्र को छोटी की मात्रा त्रि। ग्न को छोटी की मात्रा अग्नि, ग्न को छोटी की मात्रा अग्नि। ओके ग्न को छोटी की मात्रा अग्नि, ग्न को छोटी की मात्रा अग्नि। श्र को छोटी की मात्रा श्री, श्र को छोटी की मात्रा श्री। ओके बच्चों बारकड़ी आपको अच्छे से समझ में आ गई, ये पूरी बारकड़ी आपको फिर से रिवाइज करनी है, ये पूरी बारकड़ी आपको अच्छे से समझ में आ गई। ये छोटी की मात्रा है, इसे आपको पूरे को फिर से लर्न करना है, 2 times नोटबुक में लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग में ऊपर की लाइन को टच करना है, सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिखना है और खास बोल बोल के लिखना है। ओके अच्छे से आपको समझ में आ गया। अभी तक हम आ की मात्रा वाले शब्द सीख चुके हैं, यानी बिना मात्रा के शब्द और आ की मात्रा के शब्द सीख चुके हैं। अब हमने यहाँ पे की से लेकर ग्नि तक आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। ओके अब यहाँ पे हमारे पिक्चर्स दिए गए हैं, जो छोटी की मात्रा वाले पिक्चर्स होते हैं ना बच्चों, वो वाले पिक्चर्स दिए गए हैं, तो पहले हम उससे अच्छी तरह से रीड करेंगे, उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी। ओके आप एक्सप्लेनेशन और रीड के बाद में आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उससे पहले नहीं लिखेंगे। ओके ओके चल अब यहाँ पे किला दिया गया है, ये क्या है, राजा वाला जो किला होता है ना वो पिक्चर्स है यहाँ पे, तो वो किला दिया गया है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पहले क, उसके बाद ये मात्रा आपको जोड़नी है इसे, तो ये क है उसे आपको छोटी की मात्रा जोड़नी है, उसके बाद आप लोग को लिखना है ल को आ की मात्रा ला, तो क्या शब्द बनेगा किला, क्या शब्द बनेगा किला, क्या शब्द बनेगा किला, वेरी गुड। उसके बाद ये माचिस है, मैच बॉक्स है ना, है ना, आप जानते हो इसके बारे में। ओके तो माचिस लिखा जाएगा म को अ की मात्रा मा, च को छोटी की मात्रा ची, स माचिस, क्या शब्द बना मा ची स माचिस। ओके उसके बाद मिठाई, ओहो मुंह में पानी आ गया होगा आपके, तो मिठाई म को छोटी की मात्रा मी, ठ को अ की मात्रा ठा, ई मिठाई, क्या लिखा है मिठाई, क्या लिखा है मिठाई। ओके अब नेक्स्ट है नारियल, ये नारियल है ना कोकोनट बोलते हैं ना हम जिसे, हाँ बस वही है ये। सो क्या लिखा है न को आ की मात्रा ना, र को छोटी की मात्रा री, य ल नारियल, क्या लिखा है नारियल, क्या लिखा है नारियल। ओके वेरी गुड। और लास्ट पिक्चर है साइकिल का, आप साइकिल चलाते हो ना घर पे, हाँ बस वही साइकिल है, इसे कैसे लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा स को आ की मात्रा सा, ई क को छोटी की मात्रा की, ल क्या शब्द बना सा ई क ल, क्या शब्द बना बच्चों साइकिल, क्या शब्द बना साइकिल। ओके फिर लिखा, ये भी छोटे शब्द हैं, ये पिक्चर वाले, ये पिक्चर बिना के। ओके तो ये लिखा है म को छोटी की मात्रा मी ल, ख को छोटी की मात्रा की ल, द को छोटी की मात्रा दी न, छ को छोटी की मात्रा छी न, ज को छोटी की मात्रा जी स, र व को छोटी की मात्रा वी रवि। च
छ, और व को छोटी की मात्रा वी यानी छवी आया, क्या लिखा है छ वी, क्या लिखा है छ वी। ओके, उसके बाद फिर से नीचे देखिए आप, ये लिखा है म, म को छोटी की मात्रा मी, ठ को आ की मात्रा ठा, स मी ठा स, चीनी मीठी होती है ना, बस वो जो चीनी में मिठास होती है ये वही मिठास है, तो ये लिखा है मीठास। अच्छा बच्चों, अच्छी तरह से आपको शब्दों के बारे में भी यानी छोटी की मात्रा वाले शब्दों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी शब्द आपको समझाए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए, आपको फिर से अपनी नोट में अच्छी सुंदर से हैंड राइटिंग में लिखना है ऊपर की लाइन को टच करके, और बोलते जाना है, लिखते जाना है, बोलते जाना है, लिखते जाना है। ओके बच्चों, ओके। आज हमने आ की मात्रा वाले शब्द भी आपको जोड़ के बनाना सिखाया, और छोटी की मात्रा वाले शब्द भी आपको बारकड़ी के रूप में की सिग्नेचर दिखाया है। बस ये आपको अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिखना है, और अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है 2 times, और अच्छी तरह से इसको रीडिंग करके डेली रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू सो मच।